हेलो दोस्तों, यह है सीमेंस का पावर मॉड्यूल 240। तो आज मैं आपको बताऊंगा इसको रीसेट कैसे करते हैं, फैक्ट्री रीसेट या डिफॉल्ट सेटिंग जो भी बोलते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको VFD के बारे में नॉर्मल जानकारी दे देता हूं। ये हमारे पास सीमेंस का एक मॉडल है, जो इसके ये कीपैड है। कीपैड के बारे में बता देता हूँ। ES की जो किसी भी पैरामीटर में जाने या बाहर निकलने के लिए है, उसके बाद ओके पैरामीटर एंटर करने के लिए, अप डाउन एरो, अप और डाउन एरो पैरामीटर की वैल्यू चेंज करने के लिए, और रेड जो बटन जो है वो स्टॉप, और ये हैंड ऑटो हैंड में चलाने के लिए, और ग्रीन बटन जो है वो VFD रन करने के लिए। तो उसके बाद एक छोटी सी जानकारी और देता चलो आपको। जब अप डाउन एरो से हम VFD के आप देख सकते हैं वोल्टेज, नीचे एम्पियर प्रति मिनट, और एम्पियर वोल्टेज, इनपुट आउटपुट, RPM, एम्पियर, यानी इनपुट आउटपुट दोनों कंडीशन में ये बताएगा, फ्रीक्वेंसी, हर्ज, सारे आप अप डाउन एरो से बाहर से ही चेक कर सकते हैं। करंट कितना ले रहा है, ये करंट आउटपुट देख सकते हैं आप, DC लिंक वोल्टेज, तो ये सब आप अप डाउन एरो से चेक कर सकते हैं। वोल्टेज आउट देख सकते हैं अभी 0-0 है, और ये स्पीड हमारी जो फ्रीक्वेंसी नॉर्मल डिस्प्ले पे रहती है वो। तो अब हम प्रोग्राम शुरू करते हैं। तो हमें सबसे पहले डेस्कटॉप पे पैरामीटर लाने के लिए आपको सबसे पहले जो है ES की प्रेस करना पड़ेगा। देख सकते हैं आप मॉनिटर डिस्प्ले पे मॉनिटर लिखा हुआ आ रहा है। तो अब हम अप डाउन एरो से वैल्यू चेंज करेंगे, एक्स्ट्रा अप एरो से। इसके बाद सेटअप को आप लोगों को एंटर करना है, सेटअप को एंटर करना है आपको, ओके करना है। यहाँ पे देख सकते हैं रीसेट लिखा हुआ आ गया है, बहुत इजी स्टेप है, रीसेट लिखा हुआ आया है। तो हम वापस इसको एंटर करेंगे, ओके ओके करते हैं। आप देख सकते हैं सेट टू यहाँ पे लिखा है NO, यानी रीसेट नो लिखा हुआ है। तो इसको हम वैल्यू अप डाउन एरो से चेंज करके यस करेंगे, नो को यस करेंगे, रीसेट नो है इसको यस करेंगे। डाउन एरो दबाया, आप देख सकते हैं यस। अब हम जैसे ही एंटर दबाते हैं तो ये फॉर्मेटिंग मोड पे, रीसेट मोड पे चला जाएगा। तो हमने जैसे ये दबाया तो आप देख सकते हैं बिजी लिखा हुआ आ रहा है, मतलब ये काम कर रहा है, अभी रीसेट हो रहा है कि सारा VFD का पैरामीटर जो है मैन्युअली हम डाले हैं वो सब क्लियर हो रहा है, और फैक्ट्री डिफॉल्ट सेटिंग है वो सारी वापस आ जाएगी। दोस्तों, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे कि मेरा मनोबल बढ़ता रहे और मैं नए नए वीडियो आप लोगों के लिए लाता रहूं। वीडियो बनाना बहुत डिफ़िकल्ट काम है, और हर चीज़ को सही तरीके से बताना और भी कठिन काम है, क्योंकि हम काम तो कर सकते हैं, बाकी उसको लोगों को बताना सही इजी तरीके से कि कैसे वो समझ सके। तो आपके भाई की ये मेहनत वेस्ट ना जाए, इसके लिए वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अपने दोस्तों को भी बताएं, ताकि उनको बहुत कुछ सीखने को मिल सके। तो आप देख रहे हैं वर्किंग कर रहा है, ये बिजी चल रहा है, रीसेट हो रहा है, पैरामीटर क्लियर हो रहे हैं जो हम मैन्युअली डालते हैं, जो भी फैक्ट्री डिफॉल्ट के अलावा जो भी पैरामीटर डाले वो सारे रीसेट हो जाएंगे इसमें। कभी कभार कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, कई पैरामीटर अपन अप डाउन करने के चक्कर में ऐसे पैरामीटर आ जाते हैं जो हमें खुद को भी पता नहीं होता, तो इस रीसेट करने से वो सारे डिफॉल्ट क्लियर हो जाएंगे, और हमें वापस नए पैरामीटर डालेंगे तो आसानी रहेगी। आप देख सकते हैं अभी ये डन लिखा हुआ आ गया है, ये कंट्रोल मोड वापस। अब आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, बैक जाना है, और या बैक नहीं जाओ तो बंद VFD को बंद करके चालू भी कर सकते हैं। ये 0-0 स्पीड आ गई, जहाँ पे थे वहीं आ गए हम। अब मैं आपको एक बार हैंड ऑन करके भी बताता हूँ, ये देख सकते हैं एक बार दबाने से हैंड ऑटो, यानी मैन्युअली हम इसको चला सकते हैं। यहाँ पे हैंड ऑटो दबा के फिर आपको फ्रीक्वेंसी बढ़ानी है, तो ये स्पीड जो बढ़ रही है, फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के बाद आप रन कमांड देंगे तो ये VFD रन, मोटर रन हो जाएगी। जब जैसे मैं रन कमांड देता हूँ आप देख सकते हैं ये
सिंबल देख सकते हैं रन कमांड का, एंड ऑटो बोलते हैं इसको। अगर मशीन कहीं फंस गई है या कमांड नहीं ले रही है तो आप ऐसे करके मशीन को अप डाउन या लेफ्ट राइट जो भी है मोटर को रन करवा सकते हैं। स्टॉप करते ही स्टॉप हो जाएगी, देख सकते हैं ये स्टॉप हो गई, रन करते ही वापस रन हो गई। दोस्तों बताना मुझे कमेंट में ज़रूर बताना कैसा लगा वीडियो, अगर कोई गलती होती तो भी बताना ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसको सुधार सकूं। आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।